नेक्स्ट चैप्टर फोर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। फर्स्ट है आपका पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है? ये स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल। अगर हम किसी शार्प पेंसिल से पॉइंट कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं, तो वही आपका क्या है? पॉइंट। किसी शीट पे आप लाइन खींचना है, रे बनाना है, तो पहले एक पॉइंट बनाते हैं ना, उसी को हम पॉइंट बोलते हैं। टीनी प्रिक मेड बाय अ फाइन पिन ऑन अ पेपर provides us with physical examples that come close to the ideas of a point. तो दिस इज पॉइंट। ये क्या हो गए आपके? पॉइंट हो गए। इसको हमने नेम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, एक्स। इस टाइप के पॉइंट होते हैं। हम आप लाइन या रे बनाने के पहले या कोई एंगल बनाने से पहले हम पॉइंट्स लगाते हैं ना, तो यही आपके क्या है? पॉइंट है। ये ज्योमेट्रिकल आइडियाज में इस चैप्टर में इनको दिया गया है। तो डिस्टेंस स्टार्स आर हेवनली बॉडीज अपीयर्स एज पॉइंट टू द यूनिट अनएडेड आई। पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजिशन एंड इट्स लोकेशन कैन बी एसरेटेड। तो पॉइंट्स उसकी लोकेशन को शो करते हैं। फिर आ जाता है लाइन सेगमेंट। अभी लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए बी सोल, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए से स्टार्ट किया और बी पे इसको हमने फिनिश कर दिया। तो लाइन ए बी इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में ए बी लाइन जो शो किया है। एनी पोर्शन ऑफ द लाइन सच एज द पोर्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। ये देखिए ए से बी लाइन सेगमेंट। ए बी इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का ही एक पार्ट है। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, यह ए और ये बी। ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द एबव लाइन सेगमेंट। जब किसी लाइन में टू एंड पार्ट्स होंगे तो क्या होगा आपका? लाइन सेगमेंट होगा। देन नेक्स्ट लाइन। लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड आइडेंटिफाइड इन बोथ डायरेक्शन। ये लाइन हैज नो विड्थ, इट हैज जस्ट लेंथ। इसकी कोई विड्थ नहीं होती, ये सिर्फ इसको लेंथ के रूप में शो कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइन लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करके लाइन को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर को फोल्ड करके देखिए। एंड प्रेस द टू पार्ट्स टूगेदर, और प्रेस करेंगे उसके टू पार्ट्स में। ऑन अनफोल्डिंग द टू पार्ट्स We find that a straight crease is formed as shown in figure. और इस टाइप का फिगर दिखेगा आपको, तो वो क्या होगा आपका? लाइन। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है आपकी लाइन है। Shown in figure, the straight crease in the paper, पेपर पे क्रीज दिखाई देगी, is an example of visual रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्सन ऑफ अ लाइन। जब हमने तो पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, जब फोल्ड पेपर को हमने ओपन किया तो बीच में एक क्रीज दिखाई देती है, वो क्या है आपकी? लाइन होती है। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्या होती है ये इंटरसेक्टिंग लाइन? द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है या इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और वो जो पॉइंट जो दोनों लाइन के बीच में बनता है, वो कहलाता है आपका इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एग्जांपल देखते हैं। टू लाइन्स ले लिया हमने, एक एल वन लिया और एक एल टू ले लिया। अब पासिस थ्रू पॉइंट पी, और दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे पास हो रही है? पी पॉइंट पे पास हो रही है। तो दस वी कैन से दैट एल वन एंड एल टू इंटरसेक्ट एट पी। तो जो एल वन लाइन है ये, और एल टू जो लाइन है, वो दोनों को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो द पॉइंट पी इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड एल वन एल टू आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एल वन और एल टू क्या होगी आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है। ईच अदर इवन
इफ एक्सटेंडेड देन ऑन बोथ साइड आर कॉल्ड पैरेलल है, दोनों फ्री होती हैं और दोनों पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जैसे ए बी और ये सी डी, ये दोनों कौन सी लाइन हुई आपकी, पैरेलल लाइंस हुई। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द एबो लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट पे ए और बी इसके क्या हो गए, एंड पॉइंट्स हो गए। तो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये समानांतर चलती है दोनों। रे, रे क्या है, ये रे हैज एन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है, एट वन एंड एंड एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड, और दूसरे साइड से ये अनंत तक जा सकती है ना, एंड पॉइंट एक होता है, एक साइड में एंड पॉइंट, दूसरे साइड वो आप जितनी दूरी तक उसको ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, दिस इज रे। इन द फॉलोइंग फिगर ओ ए, ओ ए आपकी रे है ना, इसका एक एंड पॉइंट हो गया और एक इन्फिनिटी होता है, ओ ए इज अ रे, एक रे है और इसका वन एंड पॉइंट होता है। फिर आता है प्लेन, क्या है ये प्लेन, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस है विच एक्सटेंड आइडेंटिफाइडली इन द ऑल डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे कैन यू मैच द कॉलम, इस कॉलम को मैच करते हैं हम, अब प्लेन है तो प्लेन इसमें क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट कौन सा होगा, लाइन कौन सी होगी, अभी आपने हम पढ़ा है पॉइंट किसे बोलते हैं, है ना, जब अपन किसी सरफेस पे कुछ पॉइंट कर दिया वो आपके पॉइंट हो गए, ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गए, पी, पी एक पॉइंट हो जाएगा, लाइन पी क्यू एक लाइन हो जाएगी और ये प्लेन हो जाएगा, तो प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड आइडेंटिफाइडली इन ऑल डायरेक्शन, तो वो सभी डायरेक्शन में उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, हो गया आपका रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये अब आप क्लियर हो गए। नेक्स्ट है चैप्टर वन, यूज द फिगर टू नेम, फिगर का यूज़ करके आपको इनके नेम बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइव पॉइंट्स, अब इस फिगर को देखना है और आपको इसके पांच पॉइंट्स बताने हैं, एक लाइन बताना है, ये लाइन बतानी है, फोर रेज बतानी है, फाइव लाइन सीक्वेंस बतानी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले फिगर को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, इसमें पॉइंट फाइव पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, तो फाइव पॉइंट्स आर डी ई ओ सी बी ए, ये पूरे पॉइंट्स हुए, पर क्वेश्चन में आपको सिर्फ फाइव बोला है तो आप फाइव पॉइंट्स ही बताएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे डी ई ओ सी बी, ये पांच पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लाइन बताना है, ए लाइन, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं लाइन के, है ना, मेनी आंसर आर पॉसिबल, समान डी भी एक लाइन हो जाएगी, डी से ओ तक एक लाइन हो जाएगी, ई से ओ तक एक लाइन हो जाएगी, डी से बी तक लाइन हो जाएगी, ई से वो तक हो जाएगी, तो इसके बहुत सारे आंसर्स दे सकते हैं आप लाइन में, आप किसी को भी यूज़ करते हैं, डी से डायरेक्ट बी के लिए बी बोल सकते हैं, डी से ई बोल सकते हैं, ई से वो बोल सकते हैं, सारी क्या है लाइन्स हैं। फिर फोर रेज बताना है, डी बी एक रे है, डी ई भी एक रे है, ठीक है, ओ बी भी एक रेज है, ओ ई भी एक रे है। फाइव लाइन सेगमेंट बताना है, डी ई ए भी एक लाइन सेगमेंट है, डी ओ भी लाइन सेगमेंट है, ई ओ लाइन सेगमेंट है, ओ बी लाइन सेगमेंट है, ई बी लाइन सेगमेंट है, सारे लाइन सेगमेंट, लाइन रेज, ये सब इन्हीं से आंसर्स दे सकते हैं हम इनसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपको फिगर को आइडेंटिफाई करना है और ये चारों क्वेश्चंस के आंसर देने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली टू लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द फोर गिवन, ठीक है, ए बी ए सी ए डी बी ए बी सी बी डी सी ए सी बी सी डी डी ए डी बी डी सी, तो लाइन गिवन ऑल पॉसिबल 12, जो पॉसिबल है वो लाइन आपको
बतानी है। तो ये सारी पॉसिबल है ना, हम इनको लाइन के रूप में शो कर सकते हैं, तो फिगर्स से हम इनके आंसर्स इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यूज़ द फिगर टू नेम, इस फिगर को यूज़ करना है और इन चार क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। यूज़ द फिगर टू नेम, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ई से जो लाइन जा रही है उसको आपको बताना है। तो ई से ए तक एक लाइन जा रही है जिसको हम ए ई, ये लाइन के लिए लाइन को शो करने का सिंबल है। अगर किसी की ए ई एक लाइन है तो ऊपर हम एक लाइन बनाएंगे, दोनों साइड एरो बना देंगे, तो ये ए। नेक्स्ट है लाइन पासिंग थ्रू ए, ए से होकर जाने वाली लाइन, तो ए से कौन सी लाइन जा रही है, ये ई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन ऑन विथ ओ लाइज, लाइन जो ओ से जा रही है, ओ सी या सी ओ, इसको सी ओ भी राइट कर सकते हैं और ओ सी भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के टू पेयर्स बताने हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं, ऐसी लाइंस जो किसी एक बिंदु पर, दो लाइन जो एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन आपकी क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अब इंटरसेक्टिंग टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, दो पेयर्स बताना है इंटरसेक्टिंग लाइंस के। अब टू पेयर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, सी ओ एक लाइन हो गई, वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, बी पॉइंट पर कर रही है, पर यहाँ सिर्फ आपको लाइन का ही नाम बताना है। तो पहली हो गई आपकी सी ओ, दूसरी हो गई ए ई, ये भी बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, फिर थर्ड हो गई आपकी ए ई, ठीक है, और फोर्थ हो गई आपकी ई एफ, ये सब इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये ई, ठीक है, ई एफ ये भी यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये ई इंटरसेक्ट कर रही है, सी वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो टू पेयर बताना है आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के, तो पहले हो गया सी ओ एंड ए, लाइन सी ओ एंड लाइन ए, एंड ए एंड ई एम ये इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू, अब वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए ये एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, ये हो सकती है, ये जितनी भी आप लाइन पास कर सकते हैं उतनी लाइन पास हो सकती है कि नहीं, तो काउंटलेस आर इनफाइनिट मतलब अनंत, कितनी आप कितनी इस एक बिंदु से कई लाइन पासेस हो सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, काउंटलेस आर इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू गिवन पॉइंट्स, सी ए एक पॉइंट दिया है और ए एक पॉइंट दिया है, तो दोनों पॉइंट्स तो कितनी लाइन पास होगी, सिर्फ एक ही लाइन पास होगी कि नहीं, एक लाइन पास होगी ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ड्रा रफ फिगर, एक रफ फिगर ड्रा करो बोल रहा है, लेबल करिए सूटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी कहाँ होगा, ए बी पे होगा, लाइन एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, जो एक्स वाई है और पी क्यू है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट। नेक्स्ट है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, लाइन जो है एल कंटेन्स करती है ई और एफ से पर डी पे नहीं करती है। फिर लाइन ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ओ पी और ओ क्यू किस पॉइंट पे मीट करते हैं, ओ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक लाइन बनाइए ए बी और उसके सेंटर में कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर का जो फिगर बनेगा वो ये होगा, एक्स वाई मिड पॉइंट क्या होंगे, एम पी क्यू, एक्स वाई और पी क्यू ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, एम पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एल लाइन बनाइए और कंटेन ई एंड एफ
बट नॉट डी, वो कंटेन करती हैं ई और एफ पे बट डी पे नहीं। तो एक लाइन बना ली हमने एल ई एफ और डी उसके आउटर पार्ट में जगह थी, डी को कोई कंटेन नहीं कर रही है। लाइन ओ पी एंड ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। तो हमने दो लाइन बना ली ओ पी और ओ क्यू और दोनों लाइन कहाँ मीट कर रही हैं, पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स इन कंटेस्ट ऑफ द गिवन फिगर। क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, ये लाइन एम एन पे है क्या, है ना। फिर सेकंड है एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन, तो वो एम एन लाइन सेगमेंट है क्या। एम एन 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 आर एन एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन का है क्या। ओ एन एन आर एन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, तो इसका जो आंसर्स दिए हुए हैं ये दिए हुए हैं। आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे इस फिगर को और फिर कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, तो ये लाइन एम ठीक है और एन है, इसके ऊपर पॉइंट्स बने हुए हैं कि नहीं, क्यू एम ओ एन पी ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। इन सारे क्वेश्चन के आंसर से दिए हुए हैं और इनको ट्रू और फॉल्स में देना है कि दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट्स के आंसर्स ये दिए हैं, यहाँ से आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है,